नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। इस खास चर्चा में आज बंगाल और असम में जो 1 अप्रैल गुरुवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अशरफ अली प्रधानाचार्य शहीद नरुल इस्लाम कॉलेज के, और दूसरे हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं प्रभास सिंह जो ओबीसी समाज के प्रभास सिंह है। इन दोनों को बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रभास सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव है ओबीसी समाज के, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सर सबसे पहला सर सवाल मेरा सर डॉक्टर अशरफ अली सर से, कल पहले चरण का दूसरे चरण का चुनाव है बंगाल में, और वही नंदीग्राम में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सर क्या लगता है कल क्या होगा? पहले चरण में तो हिंसा की खबरें आई, ईवीएम की खराबी की खबरें आई, आरोप लगा ईवीएम में गोलमाल हो रहा है, क्या लगता है कल क्या होगा? कल क्या होगा? डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी का एप्लीकेशन होगा, लोग वोट डालेंगे और जिनको फ्रस्ट्रेशन है वो उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा। जो होता रहा है हमारा देश का डेमोक्रेसी में, इलेक्शनरिंग में, मनी पावर, मसल पावर और सारे सीबीआई पावर, ईडी पावर, तो ये कुछ सारे होंगे, लेकिन अल्टीमेट वोट होंगे, डेमोक्रेसी का प्रिवेल होगा, ये लगता है। सर जो जातीय हिंसा है, क्या बंगाल होता है ज्यादातर जातीय हिंसा होता है? क्योंकि रिवील तो नहीं हो पाता उतना ऊपर तक बंगाल में। यहाँ हिंसा जो होता है जातीय हिंसा ही होता है, लेकिन इसका लेबलिंग इतना शुगर कोटेड है, इतना फाइन है और इतना इंटेलेक्चुअली डिजाइंड है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जो जितने भी इलेक्शन हुआ या अंडर रिसेंटली ये बढ़ता जा रहा है, जो जितने भी इलेक्शन हो रहा है वहाँ कुछ ना कुछ लोग तो जख्म घायल होते हैं, कुछ मरते हैं, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स ले तो इनमें से पूरा का पूरा, मतलब सो कॉल्ड लोअर कास्ट का पीपल होता है, शूद्र कम्युनिटी का होता है, और उनमें से कन्वर्टेड जो मुस्लिम है वो होता है, यानी एससी एसटी मुस्लिम और कुछ ओबीसी, वो भी कम होता है, लेकिन अपर कास्ट का कोई नहीं होता है। ये अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, स्टैटिस्टिक्स ले तो ही दिखाई देगा, लेकिन जातीय के रूप में ये हिंसा नहीं होता है, लेकिन हिंसा करने वाले लोग लोअर कास्ट के होते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ही करते हैं, खुद को मारते हैं, खुद ही मरते हैं और दूसरों के लिए सिंहासन बनाते हैं, यही वो करते आ रहे हैं। कल वही भी अगर होता है, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है तो वैसा ही कुछ दिखाई देगा जैसे दिखाई दे रहा है। यही तो प्रॉब्लम है हमारा, लोग को सोच नहीं है, इसको समझ नहीं है ये क्या कर रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। सर प्रभात सर, इसी को लेकर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, सेम क्वेश्चन को लेकर। आप ओबीसी समाज से आते हैं और आप उनकी बातें भी रखते हैं, तो सर एससी एसटी ओबीसी को लेकर बंगाल में आप क्या सोचते हैं ममता सरकार में? देखिए सबसे बड़ी बात यह सत्य, जैसे अफसर अली जी की काफी बातों से मैं सहमत हूँ कि जो भी मरने वाला होता है, क्योंकि देखिए चीजें बदल रही हैं उसमें। आप देखो बंगाल का जहां तक पॉलिटिक्स आप देखें, ज्योति बसु ने 25 साल तक वहां पे शासन किया है, तो ऐसा कौन सा बदलाव आ गया है? तो वहां पर भी ओबीसी रिकॉग्नाइज नहीं है, एससी एसटी की हालत सबसे ज्यादा खराब है, वहां पर भी इनके अपॉइंटमेंट में बैकलॉग बहुत सारे हैं। तो कहीं भी आप देखेंगे जहां सवर्ण वर्चस्व जो होता है, तो जैसे सेनापति जो होता है वो सुरक्षित रहता है, बाकी एससी एसटी ओबीसी के लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ चाहे हिंसा वाम दल की हो तभी वही मरेंगे, बीजेपी हिंसा करवाई तभी वही मरेंगे, क्योंकि जहां जहां पोलराइजेशन हो रहा है तो बीजेपी का एक पैटर्न है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी कुछ ना कुछ हिंसा करवाती है और उसमें आरोप जो है टीएमसी पे लगवाएगी। जब भी इससे पहले आपको याद हो कई बार बहुत सारे वीडियो सरफेसेस हुए थे कि बहुत सारे बीजेपी वाले आरएसएस वाले सनातन संस्था जो है वहां पे तलवार हथियार कर लोगों को बांट रही, बच्चों को शिक्षा दे रही है। अब जितने भी इसमें आप देखें बंगाल के लेफ्ट का हिंसा देखें, चारू मजुमदार, ठीक है, जितने लोग हैं हमारे लोग इसके जो सामाजिक उनको जो पायदान पे रखा, नीचे रखा गया था,
उससे जिसे लोग विद्रोह न करें, इसलिए उनकी उस एनर्जी को डाइवर्सिफाई किया गया। क्योंकि बंगाल को आप देखेंगे, बंगाल के पहले बांग्लादेश वाला जो पोर्शन जो था, जो आजादी के बाद पाकिस्तान में खुलना जसोर वाला इलाका था, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार भेजा गया था, वहीं से चुन करके आए थे, इसीलिए वो ज्यादातर बंगाल में जो लोग माइग्रेटेड हुए हैं उस तरफ के ज्यादा लोग हैं। तो इसमें क्या है, जो जातिगत, इन्होंने क्या बहुत अच्छी तरह जो है इसके जातिगत हिंसा का किया है। अब इसमें देखें, सेकंड फेज आते आते माया इसने ममता बनर्जी ने एक नया कार्ड खेला है, इसने गैर बंगाली का इसने बता दिया, बिहारी और ये उत्तर भारतीय जो लोग हैं ये गुंडे हैं। तो एक तरह से धीरे धीरे चीजें टैंपिंग सबको दिख रहा है कि भारत में लोकतंत्र तो बचा नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है, सुप्रीम कोर्ट का जज जाकर के राफेल फाइल गायब होती जाकर का अपॉइंटमेंट इनको मिल जा रहा है, यहाँ पे जुडिशरी पे आम इंसान का कोई भरोसा रहा नहीं है। अब क्योंकि इस समय इलेक्शन फ्रेज चल रहा है तो पूरा का पूरा जो पावर होता है इलेक्शन कमीशन के पास में चला आता है, तो मुख्यमंत्री भी प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है, जैसे आप बता रहे नंदीग्राम में धारा 144 लगाई जा रही है, ये क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि वहां पे जो है बीजेपी जो टीएमसी के जो मेन चेहरे थे वो वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी आज ही वीडियो देख रहा था कि जनता जो उनको दौड़ा रही है, इसका मतलब क्या है कि जनता जो है उनसे नाराज है। तो इस चीज को लेकर के जो है इसको कवर अप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी का एक सीधा सा पैटर्न आप देखोगे कि वो क्या करती भाई, जैसे दिल्ली में आपके साथ हो रहा है, आपने देखा कि यहाँ पे आप इलेक्शन लड़ो, अगर आप हार जाएंगे तो जीते हुए को खरीद के हम सरकार हम ही बनाएंगे, इलेक्शन वोट किसी को आप दोगे सरकार हमें बनानी है, अगर सरकार फेवरेबल नहीं होगी तो राज्यपाल के माध्यम से करेंगे, और वहां राष्ट्रपति साथ वहां इलेक्शन चल रहा है तो वहां पर जो राज्यपाल वो सब उसके अंडर पूरी मशीनरी आ गई है और उसी से काम हो रहा है। जहां आपने बोला था ईडी की बात, अब ईडी का एक करेक्टर आप देखेंगे, जो सीबीआई के जो जज हुआ करते थे नागेश्वर राव हैं, जब वो सीबीआई में थे तब प्रोएक्टिव थे, अब वही ईडी में आ गए तो प्रोएक्टिव है, आपको अस्थाना वाला केस याद होगा। बिल्कुल सर, बीच बीच में आवाज भी कट रही थी, लेकिन बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, मैं सहमत करता हूँ। सर मैं डॉक्टर असलम अशरफ अली सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। असम में भी चुनाव है दूसरे चरण का 1 अप्रैल को, बंगाल में भी है, तो आज जेपी नड्डा ने सर 8 लाख रोजगार देने का वादा किया है असम की युवाओं से। इससे पहले बंगाल में वादा किया गया था, असम के युवाओं से वादा किया गया है, इससे पहले बिहार चुनाव में भी वादा किया गया था, लेकिन रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं हो रही है। तो असम में ये वादा कितना बेहतर होगा सर बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे? ये तो एक बच्चा भी समझ रहा है जो किसका वादा कितना मजबूत दुरुस्त है। पहले का 2014 का उनका वादा क्या जनता भूल गई, जो 2 करोड़ नौकरी हर साल, तो अब तक तो 2014 से 2021 यानी के 7 साल हो गया, तो 7 दुगना 14 करोड़ नौकरी तो हो जाना चाहिए था। मुझे तो पता नहीं है कितना नौकरी हुआ कि नहीं, मुझे तो इतना पता है जो बहुत लोगों का नौकरी चला गया, तो ये भी तो वादा था 15 लाख रुपया देने का वादा। और एक बात ये रही, जो नौकरी देगी कहाँ सरकार, उनका पास नौकरी देने का जगह कहाँ है, कहाँ देंगे, अपना घर में, सब कुछ तो बेच दिया, और जो भी बचा है वो बेच देंगे, बेचने का वो मतलब कार्यक्रम जारी है, तो सब बेच दिया, तो उसके बाद नौकरी सरकार के हाथ पे का कहाँ रहा। तो जिसका भी कॉमन सेंस होता है तो उनको तो ये समझना चाहिए, खुद हमको और आपको बोलने का कोई तो जरूरत है नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, एक एक चीज मैं बता दूं आपको, एक ताज्जुब की बात यह है जो कल जो मैंने देखा, जो यहाँ 30 सीटों में कल इलेक्शन है बंगाल में, 30 सीटों में से एससी सीट है 8, और एक सर्वे के अनुसार इकोनॉमिस्ट नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन के जो प्रतिष्ठित ट्रस्ट है उनका एक ब्रांच के एक डाटा एनालिसिस के अनुसार 8 सीटों में से 5 सीट, 8 एससी सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिलने वाली है, 5 सीट यानी कि 63%। तो ये जो सब कुछ बेच रही है सरकार, तो इसमें नौकरी देने का प्रोविजन जा रही है, घट रही है, और सबसे बड़ी बात जो रिजर्वेशन जॉब इन जॉब जो भी था, अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद तो वो रिजर्वेशन रहेगा नहीं, अंबानी अदानी लोग तो रिजर्वेशन देंगे नहीं, गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है,
तो ये एससी लोगों को अपने पैर में कुरहाली मारने का ये काम ये कर रहे हैं, फिर भी वो बीजेपी को मांग वोट देने के लिए वो तैयार है, तो इन लोगों को कौन समझाए? और इन हालात में इनको अगर बोले तो बोल रहे हैं जो इतना नौकरी देंगे वगैरह देंगे और उसको वो समझ वो अपना विश्वास करते हैं, तो ये लोग कितने बार ठगेंगे? इंसान तो एक बार ठगते हैं। तो ये है मतलब ये कंट्राडिक्टरी फिगर मतलब चीज आ रही है जो आपको बिलीव नहीं होगा, ये कॉमन सेंस में नहीं आएगा, फिर भी ऐसा ही चल रहा है, लोगों को पसंद है, झूठ को मार्केटिंग अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सब कुछ मुमकिन है, हो सकता है इसी मतलब जुमला में वो भूल जाए आसाम का लोग और वोट डाल दे, तो किसका क्या करेगा? तो और क्या बताए इसके बारे में? तो आंकड़ा दिया सोचने वाला है, 60% का जो आंकड़ा दिया वो बीजेपी को लोग देते हैं, आरक्षण को किया जाता है, एससी एसटी ओबीसी हर चीज को लेकर होने वाली बात है, गंभीर विषय है। तो प्रभात सर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि चर्चा में आगे बढ़ाने के लिए, पश्चिम बंगाल में अब तक के चुनाव में ममता बनर्जी माटी मानुष की बात करती हुई आई है, लेकिन इस बार खेला होवे पर ज्यादा जोर दे रही है, वही कई जगह पर वो दुर्गा पाठ भी पढ़ रही हैं। सर क्या समझा जाए कि बीजेपी का असर हो गया उनके ऊपर या बीजेपी तो खबड़ा गई है? प्रॉब्लम ये है कि जहां तक आप देखेंगे उनकी अगर पिच पे जो आरएसएस की जो भी जो यूपी और बाकी और राज्यों में होता है, अखिलेश यादव या मायावती या जो भी लोग जो सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच में जाके खेलते हैं उनको सूट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी जो बंगाली ब्राह्मण है और यहाँ पे वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, वहां वो राम पूजा कर आरएसएस वाले कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है और ये यहाँ पे कर रहा है। इसी बीच एक नई एंट्री हुई है, ओवैसी ने कहा है कि हम कुरान का पाठ करेंगे कि जब सबके लिए बराबर तो हम भी क्यों ना करें। तो पूरा कुल मिला के जो मुस्लिम वहां पे बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको जो है ये पूरा तीनों लोग जो है अपने में बांटने की कोशिश करी, जो चंक जिधर झुकेगा वो चीजें, क्योंकि इससे पहले वोट सेटल डाउन है, जो पूरी जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है वहां पे मुस्लिम आबादी पे दिखाई पड़ रही है और इसीलिए उसी को कैप्चर करने के लिए कोशिश की जा रही है। इनको पता है कि नहीं हिंदू वोट फिक्स है, बीजेपी ममता इनको ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड अगर ये नहीं खेलेगी तो बीजेपी उनको जो है जनरली आप देखो जितने ब्राह्मण है और जितने इजीली जो है बीजेपी की तरफ स्विच ओवर हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अच्छा इसमें जो ओबीसी और तथा जो छोटी जातियां जिसको कह सकते जो इसमें पायदान पे जो है कम सम्मान वाली जो है वो उनको इस समय हिंदुत्व का उनपे ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है, तो वो कोशिश उनको जो है इनका टारगेट पूरा किया जा रहा है ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, और पूरी पूरी लड़ाई जो इसी में है और ज्यादा इसमें चेंजेस होने का दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें जहां तक ईवीएम की बात है कि क्या था कि 2014 का जो मोदी जी का इलेक्शन हुआ था उसमें जितने भी ईवीएम में वोट पड़े थे उसमें से 48 लाख ज्यादा वोट गिने गए थे, तो यहाँ पे इस बार ये भी हो रहा है कि पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा एक नंबर की दो दो ईवीएम मशीनें मिली थी। अब कई बार ये भी निष्कर्ष निकल रहा है कि जिस किसी पोलिंग स्टेशन में अगर वहां पे 1000 वहां पे मतदाता है लेकिन पोलिंग मशीन जो है 2200 वोट निकाल रही है, क्योंकि इनका कंट्रोल है इसीलिए आप इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इससे पहले आपको पता है कि एक उस इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था आपके पास कितनी ईवीएम मशीनें हैं, तो इन्होंने बताया 20 लाख हमारे पास है, जबकि उनसे जो बीएल जिसने मैन्युफैक्चर किया तो उससे पूछा गया आपने कितनी ईवीएम सप्लाई किया, उन्होंने बोला 40 लाख, इसका 20 लाख ईवीएम मशीन जो है मार्केट में ब्लैक में है, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। अब मजेदार बात ये देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हमारी ईवीएम मशीन जो है वो इसमें घोटाला नहीं हो सकता, ये प्रूफ है, वो हम बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव है, प्रश्न ये उठता है तो ईवीएम मशीन खराब कैसे होती है, अगर मशीन खराब होती तो ठीक भी होती होगी। अब मजेदार बात, ईवीएम को इंस्टॉल करने का जो ठेका होता है थर्ड पार्टी के पास में है, थर्ड पार्टी कौन है, ये रिलायंस है या इसके इंजीनियर जाकर उसको सेट करते हैं, ये 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 बहुत बड़ी इसमें जो कॉन्स्पिरेसी समझ में आ रही है। अगर आप जब अमेरिका जैसे बड़ा देश ठीक है जब वोटिंग बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाते हैं तो भारत जैसे अविकसित देश में ईवीएम मशीन का कोई तुक समझ में नहीं आता है, आपको पता नहीं चल रहा वोट कहाँ कोई और दिख रहा है, वोट कहीं और जा रहा है, तो भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है ये, एक तरह से मतदाता को ठगने का पूरा प्रोग्राम इसमें चार अकाउंट में। यहाँ जब दिलीप मंडल का पोस्ट में पढ़ रहा था, यहाँ जब आप मंगल में सैटेलाइट भेज रहे हैं, रॉकेट आप कंट्रोल कर सकते हो, ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है,
एक तरह से मतदाता के उसको चला जा रहा है, कुछ यही नहीं पता चल रहा है कि वोट तो हम डाल रहे हैं लेकिन वो जा कहाँ रहा है, कहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो एक तरह से ईवीएम मशीन जो है पूरे का पूरा धोखा का काम कर रही है, और जर्मनी में तो उसको लीगली सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा जब जर्मनी ने बैन कर दिया, और आपने काफी गंभीर चीजें सामने रखी, 20 लाख ईवीएम मशीन हो सकता है ब्लैक मार्केट में हो, और जो इंजीनियर बनाने आते हैं वो रिलायंस जैसे बड़े कंपनियों के इंजीनियर होते हैं। और आपने एक और बात की कि बहुत सारे मतदाता ये कह रहे हैं कि बीजेपी टीएमसी को वोट दे रहे थे लेकिन बीजेपी पर शो कर रहा था वीवीपैट पर। इसी सवाल को लेकर सर मैं डॉक्टर अशरफ अली सर के पास आना चाहूंगा। सर एनडीटीवी में भी ये खबर छपी है कि बहुत सारे वोटरों का कहना है, खासकर मुस्लिम इलाका जहां पर है, जहां पर आदिवासी इलाका है, जहां से बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला, उन इलाकों में सर ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें ज्यादा आई, और उन इलाकों के वोटर कह रहे हैं कि बहुत देर तक ईवीएम खराब भी थी और हम वोट दे रहे थे टीएमसी को, बीजेपी पर शो कर रहा था। क्या कहेंगे सर इस पर आप? प्रभात सिंह भाई ने अच्छे तरह से ईवीएम के बारे में कहा उन्होंने। देखिए ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया है इंसान ने, तो कोई भी चीज जो इंसान बनाता है तो उसको इंसान मैनिपुलेट भी कर सकता है, बिगाड़ भी सकता है, चेंज भी कर सकता है। ईश्वर का बनाया हुआ इंसान का शरीर में भी इंसान मैनिपुलेट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, डायलिसिस करते हैं, तो इंसान खुद अपने हाथ का बनाया चीज को मैनिपुलेट कर नहीं सकता, ये कौन सा तर्क है? तो डेफिनेटली ये मैनिपुलेबल है और मैनिपुलेट होता है, और आज रिमोट का जमाने में आप कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप सही ढंग का प्रोग्राम डालने के बाद उसको मैनिपुलेट आप जहां से भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं तो मैं इसको बिलीव करता हूं, मैं जानता हूं जो ये हो सकता है। और इस बारे में जब मुद्दा उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट लगा दिया। अरे वीवीपैट है क्या? वीवीपैट और एक स्टेप डाल दिया बीच में, वोट प्रेस बटन प्रेस होने के बाद वो डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करने के बाद एक स्टेप में वो क्रेडिट होता है, तो डिस्प्ले तक मेरा वोट सही रह सकता है, उसके बाद भी वो तो चेंज हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है उस ढंग का प्रोग्राम डालने के बाद। वीवीपैट रस्ते में है वोट, तो वीवीपैट को काउंटिंग पिछले इलेक्शन में वीवीपैट से वो पूरा बैलेट को मिला या क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन, अगर उतना कॉन्फिडेंस है उसमें तो वीवीपैट में जो रिकॉर्ड था उसके अनुसार बैलेट जो क्रेडिट हुआ उसको मिलाने का जो आवाज उठा तो क्यों नहीं किया? ये बहुत सारे सवाल है। कोई सब डेवलप कंट्री उसको रिजेक्ट किया ईवीएम को, तो हमारे देश में क्यों जारी है? और इंसान और आदमी को इतना कन्फ्यूजन है, इतना ऑब्जेक्शन है इसको लेके इलेक्शन, तो क्यों ऐसा चीज को जिसको लेके मतलब लोग भरोसा नहीं मिल रहा है इनको, और इलेक्शन के जैसे इतना इम्पोर्टेंट चीज में, तो इनको क्यों नहीं बदलने का मतलब कोई क्यों नहीं बदलते हैं? ये बड़े सवाल है। और दूसरा और इससे भी बड़ा सवाल है हम लोगों में, जो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, मान लिया जो अपने अपने मतलब सुविधा के लिए वो अपना विथ वेस्टेड इंटरेस्ट उसको वो बदलना नहीं चाहता, लेकिन बाकी जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज है दूसरा जो हारते हैं, तो उन्होंने इतना जोर शोर का कोई भी मुद्दा, इस मुद्दा को जोर शोर से नहीं उठाया, वो भी इसको बदलने के लिए, इसको ईवीएम को चेंज करने के लिए, पेपर बैलेट लाने के लिए कोई बड़ा बड़ा मतलब आंदोलन का रूप में इसको नहीं लाया रास्ते में। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं किया? ये लोग वोट के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन वोट हमारा वोट दूसरा जगह जा रहा है, उन्हीं का वोट दूसरा जगह जा रहा है, तो फिर वो चुप क्यों है? थोड़ा बहुत यहाँ कह लेते हैं हाँ ये नहीं चाहिए बदलना चाहिए, लेकिन बड़ा आंदोलन हम लोग ये कांग्रेस से या सीपीएम या तृणमूल या किसी से भी या एसपी या बीएसपी से बड़ा आंदोलन नहीं देखा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों हो सकता है? ये लोग सोच रहा है आज ये पावर में है, कल मैं आऊंगा तो ईवीएम मुझे भी हेल्प करेगा, हो सकता है, तो इसको बदलना चाहिए हमारे हिसाब से, नहीं रखना चाहिए। पेपर बैलेट इज द मोस्ट सीक्रेट एंड मोस्ट रिलायबल।
बिल्कुल सर, बदलना भी चाहिए। और सवाल ये भी उठता है कि जहाँ पर अब बीजेपी चुनाव हारती है वहां पर ईवीएम का रोना जो विपक्ष की पार्टी वो नहीं करती है, और सवाल ये भी उठता है कि जब ये लोग हारते हैं तभी ये ज्यादातर आवाज उठाते हैं, वैसे क्यों नहीं बड़ा आंदोलन करते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, सभी पार्टियों को मिलकर वो आपका बहिष्कार करना चाहिए। खैर, अलविदा लेने का समय आ गया, आप लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की, जैसा कि सर ने बताया आप ईवीएम ब्लैक को लेकर और आपने ईवीएम को लेकर बताया, वीवीपैट को लेकर, जातिगत हिंसा को लेकर, और इस तरीके से ममता बनर्जी अकेला हुए हुए बोल रही हैं और अपनी रैलियों में दुर्गा पाठ करती हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है प्रभात सर आपने बताया। लेकिन सर जाते जाते एक सवाल मैं आप दोनों से जल्दी से करना चाहूंगा, कल दूसरे चरण का चुनाव है, पहले चरण के चुनाव में 30 सीटें में चुनाव लड़ा गया, बीजेपी को अमित शाह कह रहे हैं कि 26 सीटें हम जीत रहे हैं, अच्छा दूसरे चरण का चुनाव कल है, उनकी बातों में सर कितनी सच्चाई आपको दिखती है? आप सर प्रभात सर सच्चे आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ईवीएम ही सेट है, आपको याद होगा मोदी के टाइम में इलेक्शन हुआ था 333 सीटें हम जीतेंगे। अब इससे पहले आपको याद होगा कि इलेक्शन के पहले इनके कैंडिडेट जो है विक्ट्री वाला बोर्ड लगा देते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो बंगाल में ईवीएम की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने इससे पहले भी देखा वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो रहा था, भीड़ रैलियों में दिख रही थी और अमित शाह की रैलियों में कुर्सियां खाली रह रही थी, लेकिन उसके बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। इसमें अगर अमित शाह बोल रहे हैं अगर उसके बाद बीजेपी जीत जाती है तो इसमें कोई बहुत बड़ा अतिशयोक्ति का काम हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि ईवीएम तो इसमें पूरा फिक्स ही है। लेकिन आप इससे एक चीज पहले और जुड़िए, ईवीएम के आने के पहले पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था कि ईवीएम कांग्रेस लेके आती है, तब उस समय कांसीराम मान्यवर बोलते हैं कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और रिजर्वेशन से लेंगे एसपीडीएम, और उस समय बीएसपी तेजी के साथ बढ़ती है और कांग्रेस लेके आती है, और ईवीएम ने एक काम किया है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है, और इसमें ये क्या कर रही है, थर्ड पार्टियां जो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है, उनका वोट गायब हो रहा है, जैसे एसपी है बीएसपी है, इसका एक सीधा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टियां जिन जिन राज्यों में है उनको वो डिक्लाइन की तरफ दिखाई पड़ रही है, और यहाँ बीजेपी और दूसरे सेम विचारधारा की पार्टियां वो ऊपर आ रही हैं, इसलिए जब तक ईवीएम रहेगा तब समाजवादी और जितनी पार्टियां इनको नुकसान ही होता रहेगा, और इसमें जैसे आपकी नौकरियां कुछ तो बचेंगी नहीं, इसीलिए जब तक ईवीएम रहेगा तब से ये पार्टी से ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान अपना वोट नहीं डाल पा रहा है, आपको पता नहीं चल वोट आपका कहाँ जा रहा है, आपने वोट डाला तो आपके नेता को खरीद लिया जा रहा है। अब जैसे एससी एसटी के कहने के लिए इस समय सांसद कितने सारे हैं, कोई मुंह नहीं खोल रहा है, क्योंकि जब गांधी का पूना पैक्ट जब हुआ था, जब उनको अंबेडकर जो दो बार वोट देने का अधिकार लेके आए थे उनको रियल रिप्रेजेंटेटिव मिलता, लेकिन उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। अब जिसको कांग्रेस और बीजेपी एससी एसटी के सीट में देगी जीत, जो रिजर्व सीट से जीत के आएगा वो मुंह खोलेगा नहीं, इसीलिए ये ओबीसी के सबके हालत इन्होंने कर रखी, क्योंकि जब तक पार्टी का कैडराई टिकट का प्रेशर रहेगा तब तक कोई भी ईमानदारी से कोई काम नहीं कर सकता है, नहीं उसको पैसे के दम पे खरीद लेंगे, ईवी से ईडी से डरा देंगे, सीबीआई से डरा देंगे। बाकी आप लालू को आप देख ही रहे हैं, सबको सीधा मैसेज दिया गया है कि अगर हमारे साथ रहो नहीं तुमको लालू लालू बना देंगे, ना आपको कहीं जमानत मिलेगी ना कुछ मिलेगी, आप जेल में ही रहोगे, क्योंकि जज भी इनके हैं सब इनके हैं। अब 10 साल प्रैक्टिस करके कोई भी हाईकोर्ट का जज बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, इनकी मेरिट कहाँ पे है? अगर कोई ओपन जैसे एग्जाम होता समझ में आए कि इनके अंदर, क्योंकि ये कोर्ट के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, क्योंकि जो सरकार जब आप देखो सरकार जहां फंसती है वहां कोर्ट को आगे ले आती है, और केस कोई और होता उसके बहाने जाकर के डिसीजन दे रहे हैं, इसीलिए जुडिशरी जब तक इसमें नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल लग रहा है डेमोक्रेसी ये बचेगी। सर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल प्रभात सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कई चीज आपने बताई। डॉक्टर अशरफ सर आपका क्या कहना इस मामले में? ये दो चीज है जैसे प्रभात सर ने बताया, जो अगर जनता का वोट सही सही में अपना पसंद का पार्टी में जाए तो पहला चरण में 30 सीटों में हमारे हिसाब से 20 तक बीजेपी को मिल सकती है। पहला चरण का वोट जंगल महल पुरुलिया यानी कि बैकवर्ड माओस्ट डोमिनेट इलाका में था, और वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा है लो डेवलपमेंट की वजह से, तो उसको फायदा उठाया, और आदिवासी का इलाका है तो उसमें आरएसएस ने काम किया तो इसमें मिल सकता है। और कल जो 30 सीट में जाने वाला है उसमें हमारे हिसाब से बीजेपी को 10 से 11 सीट मिल सकता है, टीएमसी को 15 मिल सकता है और सीपीएम को 4, ये हमारे हिसाब है। लेकिन अगर अगर ईवीएम अपना कमाल दिखाती है तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसका भी उम्मीद है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी दी
डॉक्टर अफसर अली सर, आपने बताया जैसा कि आप साइंस से हैं और आपने ये भी बताया रिमोट के जमाने में कोई भी चीज मुमकिन है कि उससे छेड़खानी हो सकती है, और सीटों को लेकर भी आपने बताया कि 10 सीटें बीजेपी के पास आ सकती है कल जो चुनाव है। प्रभात सर, आपने बताया कि कैसे ईवीएम का खेला हो रहा है और कैसे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इंजीनियर जो ईवीएम को सही करने आते हैं वो भी रिलायंस से जैसे बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जर्मनी ने बैन कर दिया तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बैन कर रही है, ये भी सवाल उठता है। तो समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी चुनाव लंबा है, 8वें चरण तक चुनाव है, दोबारा फिर ऐसे मुलाकात होगी, चर्चा होगी। जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारी मिला होगा बंगाल चुनाव को लेकर, ईवीएम को लेकर कई चीजें उनको आज पता चला होगा जो पहले नहीं पता था। तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने का। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।